नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी विग न्यूज़। एक बहुत बड़ा बयान आया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से। जी हां, शाम 6 बजे के बाद से अब मार्केट हरियाणा के अंदर बंद हो जाया करेगी। जो अभी तक शाम को जो कर्फ्यू का समय था रात 10 बजे तक का था, अब ये सूचनाएँ बदल चुकी हैं। शाम 6 बजे जो है आज से मार्केट बंद हो जाएगी। नई अपडेट आप देख रहे हैं सिटी विग न्यूज़ पर। हाल ही में जो है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान आया है और साथ ही साथ सिर्फ अकेला ये बयान नहीं है, बयान ये एक और आया है कि आज के बाद कितने भी कोई भी फंक्शन हो, बेशक 20 आदमियों का हो या 100 आदमियों का या 50 आदमियों का, अब से जो भी फंक्शन होगा हरियाणा के अंदर शाम 6 बजे के बाद, तो स्पेशल परमिशंस लेनी होंगी SDM साहब से आपको। उसके बिना आप कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं 15 से 20 लोगों का भी, चाहे वो फंक्शन हो। और बड़ी खबर, क्योंकि शाम 6 बजे तक अभी तक जो दुकानदार थे शाम की कमाई के भरोसे जो है अभी तक चल रहे थे। सुबह सवेरे मार्केट खुलता नहीं है। दोपहर को जो है लोग गर्मी में निकलना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए जो है मार्केट लगभग सुनसान रहती है। और उसके बाद बात करें शाम की, लोग 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक मोटा माटी खरीदारी करने के लिए निकलते थे, जो कि अब बंद करवा दिया गया है। 6 बजे दुकानें अब बंद हो जाया करेंगी और सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी नहीं दिखेगा। जी हाँ, ये बात कही गई है कि ज़रूरी जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर भीड़ कतई नहीं होनी चाहिए। मानिए कि बस स्टैंड पर लोग खड़े होंगे तो ज़रूरत है, मगर बाज़ार में अब लोगों को एक साथ खड़े होने नहीं दिया जाएगा। वैसे आपको एक बार मार्केट का नज़ारा दिखा दूं। पूरी मार्केट आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट सुनसान ये मार्केट है। दोपहर का समय है, भरे दिन के अंदर भी राष्ट्रीय मार्केट की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ से गुजरने तक का आपको रास्ता कभी नहीं मिलता है। और अब ये देखिए कि पूरी की पूरी राजगुरु मार्केट जो है फिलहाल सुनसान है। दुकानदारों के पास चलते हैं, दुकानदारों से भी बातचीत करते हैं कि भाई शाम 6 बजे के बाद आज से लॉकडाउन लगने वाला है। शाम 6 बजे से हाफ लॉकडाउन कहिए, क्योंकि आधा दिन तो जो है ऑलमोस्ट निकल ही गया है। तो चलिए जान लेते हैं लोकल शॉपकीपर से कि क्या रुख है, क्या मानते हैं। सर, नया बयान आया है आज से शाम 6 बजे मार्केट बंद हो जाया करेंगी, कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा ही नुकसान है, पहले ही नुकसान पे जी, पहले नुकसान पे। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह मार्केट नहीं खुलती है, दोपहर को यहाँ पर कस्टमर नहीं आते हैं, शाम को बंद हो जाएगी, तो फिर वैसे दुकानदार को तो व्यापारी आदमी को तो बहुत ही ज़्यादा वो कर रखा है। तो ऑलमोस्ट ये तो आधा लॉकडाउन ही लग गया है। लॉकडाउन है ही, 6 बजे के बाद कस्टमर आते हैं, 6 से 8 लगभग होता है। जी जी जी, कस्टमर आना नहीं बिल्कुल जी। आप क्या राय रखते हैं? आप ही अब ये देख लो, ये पुलिस वाले आए, आधे कस्टमर तो वैसे ही भाग गए मास्क की वजह से। अब आप 6 बजे के बाद लॉकडाउन लगेगा वैसे ही खाली है, अब आपके पूरी रोड पे खाली है, आप देखा बिल्कुल। ये राजगुरु मार्केट के रामचाट भंडार की नजदीक की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां अक्सर जो है भीड़ बेहद लगा करती थी। और इतनी भीड़ थी मंडे तक, इतनी भीड़ थी पैर रखने की जगह नहीं है। अब आप देख लो कोई तो भी ऐसा नहीं। एक से दो दिन में क्या हुआ कि लोग जो है एकदम से यहाँ पर आना छोड़ गए। कैंसिल होगी ना जी, शाम को रात की शादियाँ कैंसिल होगी, शाम की शादियाँ कैंसिल होगी उस वजह से। और अब एक बड़ा बयान ये भी आ गया है कि भाई शादी चाहे हो या ना हो, चाहे फंक्शन हो 20 आदमियों का, तो भी SDM साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। 20 आदमियों का फंक्शन वैसे तो कौन करेगा जी, 20 आदमियों का फंक्शन मतलब नहीं जाता। बात ये है कि मिनिमम अगर कोई 5 बंदे घर के भी इकट्ठा होकर करना चाहे तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। सुनो सही, ये BJP घटिया सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है जी। और ये इनका कोरोना है ना, भीड़ में यहाँ हरियाणा में कोरोना है, इनके बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इनके नहीं है, वहाँ नहीं है कोरोना बिल्कुल। और BJP वालों के लिए कोरोना है ही नहीं, पहली बात जी 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 जी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी सर, क्या मानते हैं जो अभी नई गाइडलाइंस आई हैं, शाम 6 बजे मार्केट बंद हो जाया करेगी, कितना नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत होगा मैडम, अभी तक जो दुकानें चल रही थी, रात को कर्फ्यू जरूर लगा था लेकिन फिर भी कुछ कमा रहे थे, अब क्या लगे, अब खर्चा निकाल पाएंगे दुकान का क्या? नहीं, हम तो छोटे छोटे दुकानदार हैं, हमारा तो रोजी रोटी खराब हो रही है, हमारी तो रोजी रोटी खराब हो रही है। हाँ जी, चलिए आगे थोड़ा सा और लेकर के चलते हैं, कुछ और दुकानदारों से हम जान लेते हैं। सर, शाम 6 बजे के बाद से आज से मार्केट बंद हो जाया करेगी, कितना नुकसान मान रहे हैं मार्केट के अंदर? पूरा नुकसान ही नुकसान है जी, सारा के फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। क्या लगता है खर्चा निकाल लेंगे दुकानों का, जो इतने महंगे महंगे किराए हैं, जो इतना सैलरी है, मतलब ही कौन है, बिल्कुल ही कौन निकाल सकते, सारे खाली बैठे हैं बेकार। तो अभी गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान आया है, कितना उसको सही मानते हैं या अब आगे की जो है?
फ्यूचर की रणनीति क्या रहेगी, कैसे काम चलाएंगे? देखो जैसे सरकार कहेगी वैसे तो मानना पड़ेगा व्यापारी को, तो देखो जी व्यापारी तो प्रशासन के साथ ही है, बाकी व्यापारी सरकार की मान रहा है क्या, सरकार व्यापारी की मान रही है क्या? दोनों मिलके चलना पड़ेगा जी, जो है मिलके चलना पड़ेगा। अभी तो ऐसा ये कोरोना जो हो रहा है कोरोना तो है ही जी, जी हाँ जी उसी वास्ते चल रहा है जी 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 जी। अच्छा दुकान के एम्प्लॉयज काफी खुश होंगे फिलहाल तो? नहीं ऐसी कोई बात, चलिए हाँ एक बार एम्प्लॉयज से हम मिल लेते हैं, एक बार चेहरा घुमा करके दिखा दो। ये शॉप के एम्प्लॉयज है भाई जो रात को लेट नाइट तक अब काम करते थे, 6 बजे इनकी तो छुट्टी हो जाया करेगी और सैलरी तो वही फिक्स है ही। अच्छा ये बता, फिक्स नहीं है, कटेगी सैलरी में से? सैलरी कटेगी, कटेगी, 100% कटेगी। ठीक है, आपको मतलब उम्मीद है कि ओनर्स जो है आगे लॉकडाउन लग सकता है ना, चांस है पूरे? अगर लॉकडाउन नहीं लगता है शाम 6 बजे तक ही जो है ये फाइनल रहता है तो क्या रहेगा फिर तो सोचेंगे थोड़ा भी है। ठीक है चलिए और आगे चलते हैं भाई। देखिए गाज गिरी है एक तरीके से शहर के व्यापारियों पर, खासतौर से मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है नुकसान लोकल लोगों को यहाँ पर होने वाला है। सर क्या मानते हैं कितना फर्क पड़ेगा अब आप छोटे दुकानदारों को, जो राजगुरु मार्केट की जो मार्केट की शान है, जिनसे रची रहती है मार्केट, कितना नुकसान है आप उठाएंगे? नुकसान तो बहुत होएगा। और भरपाई कैसे होगी? भरपाई क्या होगी? भरपाई नहीं होती है, भरपाई हो ही नहीं पाएगी, पहले वाली अभी नहीं हुई, शाम को बंद हो गई। हाँ जी शाम को बंद काम होता है मार्केट में, गर्मी में तो शाम को मार्केट बंद हो जाए फिर काम कहाँ चलेगा जी मार्केट का। बिल्कुल, और शादियों के लेकर के भी ये डिसीजन ले दिया गया कि बिना परमिशन कोई शादी होगी ही नहीं, तो मार्केट वैसे ही कम हो जाएगी काम होना जी, मार्केट रश में आया नहीं, शादियाँ नहीं होंगी तो जी। सरकार के इस फैसले को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सही, सरकार भी गलत नहीं है अपनी जगह, बीमारी इतनी फैली हुई है जी, सरकार भी अपने लिए सबके लिए देख रही है, जमींदारों के लिए भी सब। बिल्कुल बकायदा अगर बात करें 21 मार्च की अगर मैं बात करूं तो लगभग 72 केस आज से एक महीने पहले यहां हिसार शहर के अंदर पाए गए थे, और आज एक महीने के ठीक एक महीने के बाद की अगर बात करूं तो ये केसेस जो है 50 गुना बढ़ चुके हैं, समथिंग 4000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है और सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, सरकार उठा भी रही है, मगर इन कड़े कदमों का जो है नुकसान भी एक आम आदमी को ही करना होगा। बड़ा फैसला अनिल विज की तरफ से, ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी ब्रेक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।